आप अपना माइक म्यूट रखेंगे, जैसे नेडा का अभी आ रहा है प्रॉब्लम माइक से, तो माइक आप म्यूट रखेंगे, जब तक आपको कोई सवाल नहीं है तब तक आप अपना माइक म्यूट रखें, अनम्यूट तब करें जब आपके मन में कोई सवाल हो, राइट। सो ओके दृष्टि म्यूट रखें सब लोग अपना माइक। ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन एंड समझते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे लोगों को डिजाइन कर सकते हैं। लाइक ओके सो ये दो क्वेश्चन हमने कल डील किया था अपने क्लासेज में, राइट। उसके बाद हम समझते हैं, ये इसको भी समझ लेते हैं एक बार फिर से, इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। ओके सो बेसिकली कल हमने एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया। क्वेश्चन ये था कि क्रिएट ए लोगो फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कंपनी हु टारगेट टू रिड्यूस यूज ऑफ पेपर, दे आर प्रोवाइडिंग ऑल डिजिटल प्रोडक्ट सॉल्यूशन वेयर वी आर यूजिंग पेपर फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्प्ले ट्रेडिशनली लाइक बैनर पोस्टर होर्डिंग्स, राइट। दिस कंपनी डील विथ डिजिटल डिस्प्ले इन एवरी साइज, ठीक है। डिजाइनर नीड टू फॉलो दिस, मतलब ये जस्ट एक हिंट है, कंबाइन लीफ एंड डिजिटल एलिमेंट इन योर लोगो। ये मैंने आपको सिर्फ एक क्लू दिया था, एक हिंट दिया था। नाउ यू कैन सी, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जस्ट ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली बेस्ट डिजाइन फॉर दिस क्वेश्चन, आपका कुछ और भी हो सकता है एंड दैट आइडिया कैन बी बेटर। तो आपको अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है और कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद उससे इंस्पायर होना है, उस तक लिमिटेड नहीं रहना है कि चलो ये वाला सर ने दिखाया तो यहीं तक हम करेंगे, राइट। बट ये आइडिया कल आपको कुछ चीजें तो क्लियर जरूर हो गई होगी क्लास में, कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो निफ्ट क्रैक करने के लिए जरूरी नहीं है, राइट। क्योंकि लोगो डिजाइन पोस्टर डिजाइन कुछ भी डिजाइनिंग के लिए ड्राइंग का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, ड्राइंग का बेसिक होना जरूरी है। ड्राइंग में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लाइंस आपके अच्छे होने चाहिए, कलरिंग अच्छा होना चाहिए, शेडिंग अच्छा होना चाहिए, बट प्रो लेवल पे नहीं चाहिए। आपका प्रो लेवल पे क्या चाहिए? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, और वो भी एकदम ऐसा नहीं कि सुपर डुपर क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि आप हो 10+2 के स्टूडेंट, राइट। तो 10+2 का स्टूडेंट कितना क्रिएटिव हो सकता है, अनटिल अनलेस वो कुछ कॉपी ना कर रहा हो, अपना आइडिया बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता, राइट। तो निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में जो जूरी मेंबर होते हैं, जो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके अंदर वो स्पार्क है या नहीं है डिजाइनर बनने के लिए, राइट। ऑब्वियसली अगर आप कॉपी करोगे तो आप बहुत प्रो लेवल पे डिजाइन कर सकते हो, बट दैट इज नॉट योर डिजाइन ना, वो आपका कॉपी है, गॉट माय पॉइंट। आपने कॉपी किया है किसी चीज से, तो आइडिया सिंपल हो, एलिगेंट हो और कन्विंसिंग हो, बस इतना ही हो। और हमेशा डिजाइन आप दूसरों के लिए करते हो, नॉर्मली लोग ये डिफरेंस नहीं समझते हैं कि डिजाइन हम सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, हम जैसे क्रिएटिव लोगों के लिए डिजाइन आप नहीं करते हो, ये क्रिएटिव पर्सन ही वो समझ पाए। तो डिजाइन इतना सिंपल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यूनिक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 100 लोगों में या 100 डिजाइन में मैं 90 डिजाइन ऐसा ही देखता हूँ, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने एक नाम दिया डिजिटल लीफ उसको, तो ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि हाउ टू डिजाइन लोगो, ठीक है। एंड जो मेरे प्रेजेंटेशन पे जो ड्राइंग की जा रही है उसको आप बंद करें, ठीक है। और ओके उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि था एक केमिकल लैब कंपनी हिमाचल एग्री केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये जस्ट एक इमेजिनरी कंपनी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि कंपनी एग्जिस्ट करता भी होगा या नहीं, पता नहीं मुझे। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया था जिसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या दिया था, कंपनी डेवलप, तो लोगो डिजाइन करते समय ना आपके कंपनी, आपके ब्रांड या जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन है, उसका मार्केट साइज क्या है, उसका सेगमेंट क्या है, उसके क्लाइंट क्या है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके कंपनी आपका कंपनी जो भी आपका क्लाइंट है या आपका खुद का कंपनी है, तो जब आप लोगो बना रहे हो तो ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी कंपनी सिर्फ
फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से फीमेल के लिए एक अलग कलर पैलेट होता है, लाइक पिंक, पर्पल, राइट, सॉफ्ट पेस्टल, ग्रीन भी होंगे तो सॉफ्ट पेस्टल होंगे, ब्लू भी होंगे तो सॉफ्ट पेस्टल हो सकते हैं। तो उस तरीके के आपको कलर पैलेट यूज करना चाहिए, जो कि मैंने कलर थ्योरी में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज में, जिसका लिंक मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट, या फर्स्ट कमेंट में। उसके बाद यहाँ पे यूज मैंने हिंट दिया है, यूज ग्रीन कलर, देन लीफ एंड प्लांट, देन लैब एलिमेंट और नेचुरल एलिमेंट यूज करें, एंड कुछ एग्जाम्पल मेरे डिजाइन का कुछ ऐसा दिख सकता है। दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल, आप एक क्वेश्चन पे 10 अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। इवन मैं तो ये बोलूंगा कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं तो एटलीस्ट 5 सर, अटेम्प्ट आई कैन करो। ऑफ माय वीडियो सर, यू कांट सी माय वीडियो? ओके, आई कैन सी सर, आई कैन ऑफ माय वीडियो, ओके या यू कैन। सर, थैंक यू। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि नॉर्मली आप एक काम करना, प्रैक्टिस करना इस तरीके से कि जब भी आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तो उसमें 5 डिजाइन करना, मतलब 5 अटेम्प्ट आप करना, जिससे आपको, आप फर्स्ट आइडिया पे ना रुको, मतलब आपका सेकेंड आइडिया, थर्ड आइडिया, फोर्थ आइडिया, आप अपने आइडिया को रिफाइन कर पाओ, राइट। ये मैं खुद के लिए भी ये प्रिफर करता हूँ, मैं भी ऐसा ही करता था जब मैं आपके जगह पे था और मैं आपके टाइम पे था जब प्रैक्टिस करता था निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, देयर आर सम एग्जांपल। आज से मैं जो अभी से ये पेज आपके लिए न्यू होगा, इससे पहले मैंने ये 2 क्वेश्चन बताया था प्राइमरी लेवल पे, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं आज के क्लास में। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ गुड लोगो। ओके, सो आप देख सकते हो ये क्या है, टेस्टी लीव्स। आप देखिए इसका सेप लीफ की तरह है, एंड ये जो ब्रांड है आपको समझ में आ रहा होगा, चाय एंड कॉफी के साथ डील करता होगा, इसके जो प्रोडक्ट लाइन होंगे वो चाय एंड कॉफी से रिलेटेड होगा, राइट, यही है ना, क्या समझ में आ रहा है देखने से? अब देखो, अगर हमें ये देखने से लग रहा है कि ये चाय या कॉफी का एक ब्रांड है, तो इसका मतलब डिजाइनर ने मेहनत किया है ना यहाँ पे, कि उसने ऐसे डिजाइन किया है इस लोगो को जिससे हम जैसे नॉर्मल इंसान इसको समझ पा रहे हैं कि ये ब्रांड किस चीज का है, राइट। मान लो टेस्टी लिप भी हटा देते हैं, वहां पे नहीं लिखा रहेगा टेस्टी लिप, सिर्फ ये रहेगा, आइकॉन रहेगा, लोगो रहेगा, तो आप इजिली फिगर आउट कर सकते हैं कि नहीं, कि ये चाय या कॉफी से रिलेटेड है, यस या नो? आई वॉन्ट टू यस सर, ओके, सो कर बेसिकली सकते हैं। कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो लुक लाइक ए कप, यहाँ पे क्या है, लीफ है एंड स्टेम है बोल सकते हो आप, राइट। एंड तो ये आपको लग रहा है ट्रॉपिक कप इसका नाम है बाय द वे, तो ये आपको लग रहा है ये लीफ भी है और कप भी है, देयर इज अ इल्यूजन और कॉम्बिनेशन ऑफ कप विथ लीफ, दिस इज अगेन यस समथिंग इज सर, हर्बल टी बोल सकते हो, इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक टी और नॉर्मल दूध वाला चाय, इट कैन बी अ हर्बल टी ऑफ तुलसी एंड मुलेठी काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो कॉफी कॉफी बीन टाइप भी दिख रहा है। बीन टाइप का भी दिख रहा है। अभी एक ट्रेंड चला है ग्रीन कॉफी, अभी सुना है आपने, ग्रीन कॉफी यस बीन आ सर, रहा है, यस तो सर, उसके हिसाब से यस ये वो सर, भी हो सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद हम आते हैं ग्रीन टी वाले एग्जाम्पल पे। अब ग्रीन टी वाले में, अच्छा ये समझ में आया, ये 2 कलर क्यों यूज हो रहा है, ग्रीन तो चलो हर्बल है, नेचुरल है, टी की बात कर रहे हैं, व्हाई ब्राउन, ब्राउन क्यों यूज हुआ? कॉफी शो कर रहे सर हैं क्लियर, कॉफी, सर कॉफी कॉफी कॉफी, ओके। और शो कर रहे हैं। अगर मैं ये अनाउंस कर दूं कि ये ब्रांड सिर्फ चाय की पत्ती बेचती है, कॉफी नहीं बेचती है, तो ये ब्राउन का क्या कहानी? सर वो भी ब्राउन चाय कलर की की होती पत्ती भी ब्राउन कलर है, की चाय की पाउडर पत्ती भी ब्राउन बाद में कलर की ब्राउन हो होती है। जाती हाँ है। ओके, अच्छा सर, चलो एक काम करते हैं, ये जो कॉफी है ये स्टेविया लीव्स का, लाइक ये जो टी कंपनी है ये स्टेविया लीव्स की टी बेचते हैं, मतलब वो बेसिकली टी नहीं है बट आप उसको गर्म पानी के साथ पी सकते हो, ऐसा एक प्रोडक्ट है, और वहां पे ब्राउन कलर यूज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है ब्राउन कलर का? बताओ,
जब आप कलर थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ब्राउन कलर रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक एंड रॉ प्रोडक्ट। तो जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं, रॉ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, बिना प्रिजर्वेटिव डाले हुए एज इट इज, ओके, या कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या कोई ऑर्गेनिक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज ब्राउन कलर। जैसे अभी कॉस्मेटिक में आप बोल सकते हो, वाव का नाम सुना है, वाव कॉस्मेटिक, मतलब शैम्पू आता है, ऑयल आता है, तो उनकी पैकेजिंग आपको याद है ब्राउन कलर की है। Yes, sir. बहुत सारे कोकोनट ऑयल ब्रांड भी जो कि कोकोनट ऑयल का आपने देखा होगा, पैरासूट ब्लू कलर की पैकेजिंग करती है, निहार और ग्रीन कलर की करती है, लेकिन अब आप मार्केट में व्हाइट एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन का भी कोकोनट ऑयल देखते हो। इट्स मोर प्योर, मोर रॉ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसा अभी हो रहा है। तो होता है ना कि कोई भी चीज को ना इतनी बार रिपीट करते हैं ना कि इंसान बोर हो जाता है। जैसे ग्रीन मतलब हर्बल है तो ग्रीन है, जरूरी नहीं है ना कि अगर मैं भी ग्रीन बना रहा हूं तो हजारों ब्रांड के साथ मैं भी एक एक ब्रांड हो गया, बट मुझे स्टैंड आउट करना है उन कंपटीशन के बीच, तो मुझे कुछ तो खोजना पड़ेगा अल्टरनेटिव, राइट। तो यहाँ पे ब्राउन कलर इज अल्टरनेटिव कलर फॉर नेचुरल ग्रीन ऑर्गेनिक, राइट, फ्रेश। उसके हमेशा जरूरी नहीं कि आप ग्रीन यूज करो, यू कैन यूज ब्राउन ऑल्सो, ओके। लास्ट थिंग ऑन दिस पेज कि यहाँ पे ग्रीन टी है, तो ग्रीन टी में येलो कलर क्या कर रहा है, सॉरी ऑरेंज कलर क्या कर रहा है, जो वार्म, राइट, गुड। तो इसका मतलब आपको कलर साइकोलॉजी का थोड़ा आइडिया है कि ग्रीन टी नॉर्मली हम लोग कैसे लेते हैं, वार्म, राइट। ऐसा नहीं है ना, कोल्ड ग्रीन टी सुना है कभी, कोल्ड कॉफी सुना होगा, लेकिन नॉर्मली ग्रीन टी, अच्छा सुना है, गुड। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये आपका ग्रीन टी गर्म लेते हैं, राइट, और ऐसा रेकमेंडेड भी है कि आप ग्रीन टी थोड़ा सा गर्म पानी के साथ ही लें। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वो वार्म हॉट ये जो है ना वो काम कर रहा है। तभी आपने सोचा है स्विगी का जो कलर है लोगो का, व्हाइट इज ऑरेंज, क्योंकि वो हंगरी को रिप्रेजेंट करता है, हंगरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये नहीं हो सकता है कि क्योंकि वो चाहता है कि आप तक खाना गर्म पहुंचे, कैसे हो सकता है। अच्छा हंगरी वाला कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हो, मेरे को पता ना सर, हम देखे थे कलर थ्योरी में, कलर थ्योरी में मतलब वहां पे लिखा हुआ था, बट एग्जांपल ऐसा कुछ है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका कलर लाल होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, तो आप बोल सकते हैं कि हंगरी का कलर ऑरेंज होता है, इज देयर एनी जस्टिफिकेशन। रेस्टोरेंट में भी चेयर ऑरेंज कलर का यूज होता है, हाँ ये भी पॉसिबल है। इवन आप जोमैटो का कलर क्या है, याद है, रेड, 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 क्यों रेड है, व्हाई नॉट इट इज ब्लू, सर वो भी हंगर को शो करता है ना, ओके हंगर को शो करता है रेड, तो आप बोल सकते हो चलो हंगर से डायरेक्टली हम कनेक्ट कर रहे हैं ऑरेंज को, फिर रेड को भी ऑरेंज कर रहे हैं, राइट। लेकिन बेसिकली बात ये नहीं है, बात है और सर रेड कलर सर एनर्जी को भी शो करता है, वही बात है, एनर्जी को शो करता है, लेकिन ये जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहे हो आपकी कि कैसे ये फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, येलो और रेड के मिक्स करने से क्या बनता है, ऑरेंज, राइट, तो ये तीनों वार्म कलर फैमिली है। नाउ यस सर, फूड इंडस्ट्री कैसे कनेक्टेड है, हंगरी का कोई रिलेशन मेरे हिसाब से डायरेक्टली अगर आप कंक्लूजन पे आ रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी से आ रहे हो तो गलत है। मतलब मुझे एक एग्जांपल दे दो कि जैसे मैंने बोला कि ये वार्म कलर फैमिली है एंड हम लोग इसलिए इसको रखते हैं क्योंकि हमें फूड में एक वार्म इमोशन और फीलिंग है कि हमारा फूड गर्म ही डिलीवर होगा, ठीक है, इस तरीके से, राइट।
तो ये वाली फीलिंग थोड़ी सी मिसिंग है हंगरी वाले में, राइट। हम डायरेक्टली इम्पोज कर रहे हैं उस चीज को कि नहीं हंगरी होगा, ऑरेंज का मतलब मुझे नहीं पता कैसे होगा बट लिखा हुआ था इसलिए होगा, राइट। ऐसा कुछ है तो एक्चुअली आप फिर ना रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे, लिमिटेड हो जाओगे कि जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप बोल पाओगे, राइट। बट आप लॉजिकली किसी भी ग्रुप डिस्कशन में प्रूव नहीं कर पाओगे अपना पॉइंट, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन तो दूर की बात है, जब आप कॉन्सेप्ट राइटिंग पे आओगे तो यू कांट प्रूव योर पॉइंट। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, हर एक चीज का लॉजिक पता है। कम नॉलेज हो चलेगा मुझे, मतलब बहुत हमें नहीं पता है, बहुत चीजें हम याद, देखो याददाश्त वाली तो वैसे भी हमारी जो कैपेसिटी है वो कम है। अगर इतना ही अच्छा याददाश्त होता तो हम साइंस स्ट्रीम में नहीं होते अभी तक, राइट। तो याददाश्त वाला तो पोर्शन पे अभी काम करना ही नहीं है, प्रेशर देना ही नहीं है उसको, क्रिएटिविटी एंड लॉजिकली हमें प्रूव करना है हर चीजों को, राइट। क्योंकि डिजाइन इज ऑल अबाउट लॉजिक, अगर आपके डिजाइन के पीछे लॉजिक नहीं है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट सर। और रेड कलर दूर से दिख जाता है, हाँ वो अट्रैक्टिव होता है, इंपल्सिव होता है एंड एनर्जी होता है, यूथ होता है, लव भी होता है, डेंजर भी होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने कलर थ्योरी में पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार गो एंड चेकआउट। मैंने कल भी देखा है किसी ने भी अभी तक कलर थ्योरी का जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो दिया है उसमें से किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि आई कैन ट्रैक ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑन माय ऐप कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सीजन वाला देखा मैंने, मैं समझा रहा हूँ ये इमोशन वाले से कनेक्टेड है, इमोशन वाला जरूर देखना आज तो आपको ज्यादा। मनिका तुमने देखा है ना, बाकी कितने लोगों ने देखा है? ओके कोई नहीं, अगर देखा है तो अच्छी बात है, आपको फिर समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। अगर नहीं देखा है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए पहले वो जाके देखना, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी तो इसको भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है हमेशा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हंगरी रेड ऑरेंज प्रेजेंट करता है लेकिन क्यों करता है आपको नहीं पता, ठीक है, तो वो आधा अधूरा नॉलेज है। द लोगो डिजाइन प्रोसेस था, हाँ बोलो आशुतोष। सर हम कम से कम एक लोगो में कितने कलर का यूज कर सकते हैं? देखो मैं ये बोलूंगा डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट, और अगर आपका क्लाइंट नहीं है आपके पास, आप खुद के लिए ही डिजाइन कर रहे हो, मान लेते हैं आशुतोष बसी अपने लिए खुद डिजाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब आपने एक अपनी ब्रांड खोला है और आपने अपना एक लोगो बनाना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर मैं रहूं तो आपके जगह पे तो मैं एक से तीन कलर तक जाऊंगा, मैक्सिमम मैं तीन तक जाऊंगा और मिनिमम एक कलर, तीन से ज्यादा नहीं करूंगा मैं, मतलब ये मेरा पर्सनल चॉइस है। क्यों सर? क्योंकि फिर ना इंसान बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं गूगल क्रोम का आपको लोगो याद है, याद होगा? यस yes, थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि कौन सा कलर कहाँ पे है उस पूरे चक्र में, राउंड में, गॉट माई पॉइंट, किस डिग्री पे कौन सा कलर है। एफडीसी का लोगो याद है? yes, क्या है एफडीसी का लोगो का क्या कलर है? येलो ब्लैक, येलो एंड ब्लैक का पोजीशन क्या है ये याद है कि ब्लैक बैकग्राउंड है या येलो बैकग्राउंड? येलो बैकग्राउंड। अब देखो एफडीसी इतना छोटा सा ब्रांड, ठीक है, गूगल क्रोम के सामने तो कुछ भी नहीं है, आप गूगल क्रोम रोज अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं याद है कि वो जो कलर है चार, तीन चार कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पे कौन सा कलर है। लेकिन जब मैंने एफडीसी की बात की तो दो कलर वहां पे आता है, एक ब्लैक और एक येलो, राइट। तो आपको अच्छे से याद है कि कौन सा कलर कहाँ पे है, कौन सा बैकग्राउंड है, कौन सा फोरग्राउंड है, राइट, क्लियर है आशुतोष? वाई? क्योंकि जितना कम कलर यूज होगा ना उतना रिकॉग्नाइजेबल होगा, और अगर आपका ब्रांड का रिकॉल वैल्यू आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो तो आप इसका मतलब ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे, ओके।
हाँ बोलो, और कुछ क्वेश्चन है? ना होता है बाद में। कोई नहीं, पूछ सकते हो। देखो कोई भी मतलब आपके पास जितना ज्यादा क्वेश्चन होगा उतना मेरे लिए इंटरएक्टिव क्लास बनेगा, अदरवाइज क्या होगा, मैं अपना एक रटा रटाया हुआ स्पीच आपको दे के चला जाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इवन आपके जो इस क्वेश्चन से बाकी लोगों को पता चला कि व्हाई वी आर यूजिंग वन और टू और थ्री कलर, राइट, जबकि गूगल सबसे बड़ी कंपनी है, उसका चार कलर आपको याद नहीं था, राइट, जबकि रोज आप मोबाइल पे देखते हो, है ना, तो है ना फर्क। तो लॉजिक अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे भी ये क्लियरिटी नहीं होगी, तभी तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता। अगर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। वैसे ही आपको भी मैं यही बोल रहा था कुछ देर पहले कि अगर आप किसी भी पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते, इट्स मीन कि आपका नॉलेज अभी अधूरा है, यू हैव टू कंप्लीट इट, राइट, बट कर सकते हैं। अभी तो आपका एज ही क्या हुआ है, आप हम लोग से 10 साल पीछे हो, मतलब पीछे नहीं हो, 10 साल पूरे से आप यंग हो, ये बोल सकते हैं, राइट, तो 10 साल है आपको हमारे तक पहुंचने में, और हमारे तक पहुंचने के लिए आपको 10 साल नहीं चाहिए, 2 से 3 साल आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेरे इतने नॉलेज आ जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो भी ज्यादा है। ओके, सो ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, पहले ये समझ लेते हैं, देन आपका क्वेश्चन फिर से हम लेते हैं, ठीक है। लोगो डिजाइन का एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे 7 प्रोसेस में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इवेल्युएट द ब्रांड, जो भी ब्रांड है या जो भी कंपनी है उसको इवेल्युएट करेंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे कि क्या है ब्रांड, क्या है प्रोडक्ट, राइट, उसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना। मान लो मैं बोलता हूँ कि एक्स वाई जेड, या नाम ले लेते हैं नाइका, अब नाइका तो आपको पता है कि नाइका क्या है, ठीक है, पता है ना। ब्यूटी ब्रांड अच्छा मान के चलते हैं कैंजो एक ब्रांड है, KENZO, कैंजो पहला बार नाम सुन रहे हो आप, राइट, ये अभी जस्ट मैंने अभी बनाया नाम, तो आई होप आपको पहले से नहीं पता होगा कैंजो एक ब्रांड है। मान के चलते हैं, सपोज कैंजो एक ब्रांड है, तो आपको उस ब्रांड के बारे में आप क्यूरियोसिटी जाग रही है कि ये ब्रांड करता क्या है, राइट, तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा बोलेगा कि ओके सर आप मेरे लिए ना एक डिजाइन कर दो लोगो, तो आप पूछोगे ना आपका ब्रांड का नाम क्या है, तो वो बोलेगा कैंजो, बोलोगे ओके, लेकिन आप ये भी तो मुझे बताओ कि आपकी ब्रांड करती क्या है, क्या प्रोडक्ट लाइन है, क्या मार्केट है, ये सब तो समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसके हिसाब से, उसके कस्टमर के साइकोलॉजी के हिसाब से आप एक प्रोडक्ट डिजाइन कर पाओगे, राइट, सॉरी एक लोगो डिजाइन कर पाओगे जो किसी एक प्रोडक्ट और एक कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको उस ब्रांड के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए, एटलीस्ट इतना जानना चाहिए जितना उसका सीईओ या फाउंडर जानता हो, ठीक है, मतलब सब कुछ जानना चाहिए, मेरा ये पॉइंट था। रिसर्च द इंडस्ट्री, मतलब रिसर्च द इंडस्ट्री का मतलब है कि अब ब्रांड के बाहर जितने उसके कॉम्पिटिटर है, ठीक है, मान लेते हैं कैंजो एक नाइका का कॉम्पिटिटर है, तो हमें ये पता करना होगा ना कि नाइका की क्या साइकोलॉजी है, नाइका क्या क्या मार्केट सेगमेंट है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि कैंजो भी उसी का कॉम्पिटिटर है, राइट, तो उसी के अराउंड हम करेंगे, बट इन अ बेटर एंड यूनिक वे, क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल है नाइका, ठीक है, नाइका को अब हमें बीट करना है, उसको पीछे छोड़ना है, हमको आगे निकलना है, तो उससे बेटर करेंगे ना कुछ, लेकिन हाँ एटलीस्ट उस लेवल पे करेंगे जिस लेवल पे नाइका ऑलरेडी है, राइट, ऐसा नहीं करेंगे कि नया बनाने के चक्कर में उससे पीछे रहेंगे, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर, आपके मार्केट सेगमेंट, आपके कस्टमर बेस का भी पता होना जरूरी है, तो रिसर्च द इंडस्ट्री सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस, मेक ए लिस्ट ऑफ वेयर द लोगो विल बी यूज, लाइक मेरा जैसे एफडीसी का लोगो है, तो एफडीसी का लोगो हम कहाँ यूज करते हैं, ऐप पे, हमारी वेबसाइट का आइकॉन है, राइट, ये 2 जगह पे ज्यादातर यूज करते हैं, और एक मेरा विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, उस पे मैं यूज करता हूँ, तीसरा लेटर हेड पे रेयरली यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये सारा लिस्ट बनाना है कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है, बैनर होर्डिंग में यूज करूंगा, राइट, तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट,
सोचने वाली बात है कि क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ यूज करेंगे, तुम हमें लोगो बना के दो बात खत्म। नहीं, डिपेंड करता है कि आपका जो लोगो है, अगर आपका ऐप ऐप ओरिएंटेड लोगो आप बना रहे हो, मतलब ऐप ओरिएंटेड कंपनी है लाइक ओला, ठीक है, ओला उबर ये सारे क्या है, ऐप ओरिएंटेड कंपनी है, तो आप क्या करोगे कि इतना ही डिजाइन डिटेलिंग होगी जो क्लियरली 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर में दिखे। ऐसा नहीं कि ह्यूमन एनाटॉमी और पूरा कंपोजिशन बना के उसके अंदर देंगे, राइट। एक एक छोटा सा आइकॉन देंगे, मतलब एक आइकॉन देंगे जो डोमिनेटिंग होगा और इजी रिकॉग्नाइजेबल होगा कि ये क्या है, राइट। पॉसिबल है ना, समझ में आ रहा है बात कि क्यों लोगों का साइज मैटर करता है, कहाँ पे वो प्लेस हो रहा है। स्केच ए वैरायटी ऑफ लोगो कॉन्सेप्ट। आपको जब आपको पता चल गया ये सब के बारे में, तो आप क्या करोगे कि एक पेन निकालोगे, एक पेपर निकालोगे, ड्रॉ करोगे और दे दोगे कि ये लीजिए आपका लोगो, राइट। और कस्टमर भी खुशी खुशी ले लेगा, राइट। ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कस्टमर को, आपको दिखाना पड़ेगा खुद को कि आपने खुद की कंपनी का लोगो बनाने से पहले बहुत सारे लोगो बनाए थे जिसमें से फाइनल आपने वो किया, मतलब आपने एफर्ट डाला है उसके पीछे। ऐसा नहीं कि काम चोरी किया है या आप बहुत प्रो लेवल के डिजाइनर हो कि आपने जो बनाया वही लाइक बेस्ट हो गया, राइट। ये ज्यादातर निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग जो सोचते हैं वही बनाते हैं और उनको लगता है दुनिया का बेस्ट डिजाइन उन्होंने बना दिया, बट वो गलत हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चे फर्स्ट टाइम वही सोचते हैं जो क्लास में बैठा हुआ 90% स्टूडेंट सोचता है, तो कंपटीशन वैसे भी खत्म हो जाता है। आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेज वाला ड्राइंग करना है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि हर एक टास्क जो मैं दूंगा उसको 5 बार अटेम्प्ट करना है अलग अलग तरीके से, तब आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, ओके। उस पे आते हैं, फिर आपको स्केच करना है। तो कितना नॉर्मली हम स्केच करेंगे लोगो जब बनाना होगा, तो एक क्वेश्चन पे या एक जब लोगो डिजाइन करना होगा तो कितने करेंगे बताओ? चार पांच करेंगे, राइट। और कोई? चलो ठीक है, 4-5 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट डिजिटल ड्राफ्ट इन वेक्टर सॉफ्टवेयर। वेक्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है? दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एक होता है रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, या रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर को आप बोल सकते हो पिक्सल ग्राफिक सॉफ्टवेयर। पिक्सल सॉफ्टवेयर या रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, आपने सुना होगा फोटोशॉप का नाम। और वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है कोरल ड्रो, उसका नाम भी सुना है, राइट। एक और होता है एडोबी का एक और सॉफ्टवेयर है जैन कॉन। बच्चे माइक ऑफ कर लो, ओके। एक और है, आस्क टू अनम्यूट, ओके। हाँ, एक और है एडोबी का एडोब इलस्ट्रेटर, ये भी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ओके। रिफाइन योर लोगो डिजाइन विथ फीडबैक। तो आप क्या करते हो, जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन बना लेते हो अपने कस्टमर को दिखाने के लिए, तो आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, या आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, तो आप क्या करते हो उसको रिफाइन करते हो जो 6th स्टेज पे है फीडबैक के बिहाफ पे, मतलब जो भी फीडबैक मिला है उसके हिसाब से आप उसको और रिफाइन करते हो, राइट। फिर 7th लेवल पे क्या करते हो, उसको डिलीवर कर देते हो जो भी फाइनल लोगो फाइल होता है अपने कस्टमर को, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, एक डिलीवरी बेस्ड ऐप है, दिख रहा है डिलीवरी बेस्ड ऐप है, जिसके 3 तरीके का लोगो मैंने आपको दिखाया है। लोगो में सामने वाला ड्राइंग और सामने वाला आप बोल सकते हो डिजाइन सेम है, सिर्फ बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है। तो अब मुझे बताओ कौन सा बेस्ट है, व्हाइट वाला, येलो वाला या रेड वाला, अगर ऐप में है तो व्हाइट वाला। मेरे हिसाब से मैं बोलूं तो येलो हो सकता है, तो पता है व्हाइट वाला ना डिपेंड करता है आपका वॉलपेपर किस कलर का हो, अगर व्हाइट वाला वॉलपेपर भी हो तो ये एक लाइक इमेज की तरह दिखेगा, एक अलग आइकॉन की तरह नहीं दिखेगा,
ऐप की तरह नहीं दिखेगा। रेड वाले में क्या हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट मर्ज हो जा रहे हैं, खास करके उसका स्कूटर, राइट, जो मेन डिलीवरी का पार्ट है वही उसका मर्ज हो रहा है। तीसरा में हम देखें, अगर हम कोई भी कलर का बैकग्राउंड रखते हैं सिर्फ येलो को छोड़ के, तो ये मर्ज भी नहीं होगा, और मर्ज हो भी जाता है तो ये रेड कलर काफी डोमिनेटिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो आई थिंक येलो और सेकेंड ऑप्शन बोल सकते हो व्हाइट, लेकिन मैं रेड तो कभी नहीं बोलता, ठीक है। एवेल्युएट द ब्रांड, ये सारा जो मैंने अभी आपको भाषण दिया है वो वही है, सब लिखा हुआ। देखो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वेबसाइट आइकॉन, साइनेज, बैनर, प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड बैनर, बिजनेस कार्ड, कंपनी लेटर है, टेम्पलेट, और ईमेल मार्केटिंग में, ठीक है। एंड मार्केटिंग स्वैग भी हो सकता है, कप, कॉफी मग, पेन, कैप, टी शर्ट, उस पर भी यूज होता है। ओके अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या पूछा था आपसे कि आप कितना डिजाइन करोगे लोगो बनाने से पहले, तो किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 5, चलो मैक्सिमम 5 बोला, क्योंकि सर ने अभी अभी तो बोला था कि 5 डिजाइन करना है। लेकिन एक लोगो डिजाइनर जब इस तरीके का डिजाइन कस्टमर को देता है फाइनली बना के, तो उससे पहले वो इतने सारे डिजाइन करता है, मतलब इतने सारे रफ स्केच करता है, उसके बाद वो जाके एक फाइनलाइज करता है, मतलब वो भी फाइनलाइज नहीं करता, पहले कस्टमर को ये सारा लोगो दिखाता है, फिर कस्टमर बताता है इसका ये अच्छा लगा, उसका वो अच्छा लगा, उसके बाद वो मर्ज कर देता है, या कस्टमर बताता है नहीं इसमें ना कुछ और ऐसे ऐड कर दो तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो वो फिर उसके बाद चेंज करके कस्टमर को डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो कितना लोगो डिजाइन करना पड़ता है, एनी आइडिया, मतलब लोगो डिजाइन करने से पहले के टास्क में कितने सारे स्केचेस करने चाहिए? 5, राइट। यहाँ 100 से भी ज्यादा है, या 200 से भी ज्यादा, ठीक है। स्केच करने में बोल रहा हूँ, बहुत फेयर ड्राइंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्केच करना है, राइट, डूडलिंग जिसको बोलते हैं। देखो ये एक पेज का मैंने जूम करके आपके लिए दिखाया कि ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज पार्ट है। कहां का ये पार्ट है, ये वाला है क्या? हाँ ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इतना करना पड़ता है बच्चे, ड्राइंग इतना आसान नहीं है लाइफ, ठीक है। तो लेकिन आप निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में 4-5 आइडिया सोचो मन में, उसको हल्के हल्के से ड्रॉ करो, एंड फाइनली एक फिक्स करके सबमिट करो, ठीक है। एंड इसके लिए मोर देन 30 मिनट, बहुत ज्यादा 30 मिनट होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चों का शिकायत ये होता है, सर हमारी ना ड्राइंग ही छूट जाती है निफ्ट एग्जाम में, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही वैसे नहीं करते हो। मतलब उन बच्चों की शिकायत होती है जो बच्चे हमें नहीं ज्वाइन करते हैं, कहीं और दीदी भैया से क्लासेस ले रहे होते और किसी की ड्राइंग देख के चले जाते हैं कि उनको ये ड्राइंग इतनी अच्छी आती है तो मुझे भी आ जाएगी ये ड्राइंग अच्छी करने, पॉसिबल नहीं। वो उनका लाइक स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रेंथ कुछ और है, तो इसलिए मैं आपके स्ट्रेंथ को लाइक कोशिश करता हूं कि उसको मैं ओके। तो क्लास में मजा आ रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, या फिर ऐसा ही लग रहा है कि सर कुछ करके नहीं दिखा रहे? इंटरेस्टिंग है। ओके चलो, थैंक यू सो मच, क्योंकि सर के करने से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं बनाने का तो आज मैं क्लोथिंग भी बना दूं, बट मेरे बनाने से आप सीख जाओगे पॉसिबल नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारा मिथ पता है निफ्ट के बारे में, मतलब एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है। किसी का आया, सुचिता आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सबको सुनाई दे रही है ना, आई होप मेरी आवाज सर आ रही है। तो प्रॉब्लम हो सकता है उनका नेट का हो, इंटरनेट का इशू हो कुछ, तो मैं ये आपको समझा रहा था कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी एक को गुरु मानना है, किसी एक को सुनना है, सबको नहीं सुनना है। YouTube पे आपको 10 चैनल मिलेंगे, 10 लोग 10 तरीके की बातें बोलेंगे, आधे से तो ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज के बिके हुए क्रिएटर हैं, जो आपको एडमिशन तो ले लेंगे निफ्ट के नाम पे कि निफ्ट क्रैक करवा देंगे, उसके बाद उनका पूरा टारगेट रहेगा
कि अगर आपका निफ्ट में नहीं होता है तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दे, जिससे उनको लाख रुपए का कमीशन आराम से मिल जाता है आपके एडमिशन पे। ठीक है, तो ज्यादातर तो लोग ऐसे ही है अभी फिलहाल के लिए जो मैं सुन पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। सो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, किसी एक इंसान को सुनो, वो एक इंसान जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ, कोई और हो सकता है, बट जब आप उनको सुनते हो तो मैं ये भी बोलूंगा कि मुझे मत सुनो, अदरवाइज हो सकता है एक ही चीज को दो लोग अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो और आप दोनों के बीच कंफ्यूज हो रहे हो, राइट। तो सबसे पहला काम एक इंसान को सुनो, एक को गुरु मानोगे तो कहते ना एजुकेशन मिलेगा, अगर बहुत सारे लोगों को गुरु मान लोगे एक ही सब्जेक्ट के लिए तो सिर्फ कंफ्यूजन ही हाथ लगेगा, तो ये मैंने देखा है ऐसा होता है और ज्यादातर बच्चे यही फेस करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे लिए आज के क्लास में इतना ही था, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है क्या करना है। अच्छा चलो, थोड़ा सा एक पीपीटी शायद बच गया है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि आपको क्रिएट डिजिटल ड्राफ्ट इन वेक्टर सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था फिफ्थ स्टेप, तो नॉर्मली जब ड्रॉ करते हैं ना तो सबका ये प्रॉब्लम होता है कि हमें ना परफेक्शनिस्ट बनना है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आज आपका बेस्ट कुछ हो सकता है, 5 दिन बाद आपका बेस्ट कुछ और हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्किंग हो, कितना आप स्मार्टली वर्क करते हो, राइट। है ना कि मतलब 6 महीने पहले जो आपके ड्राइंग की लेवल है, क्रिएटिविटी की लेवल है, आज कुछ और हो सकती है। छोड़ो 6 महीने की बात शायद याद भी ना हो, 2 दिन पहले जब आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया था हमारा, उस समय जो आपका सोचने का तरीका था वो कुछ और था, 2 दिन के बाद ही कुछ और हो चुका है, राइट। तो देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। आप रोज कुछ सीखोगे, रोज कुछ इम्प्रूव करोगे, राइट। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये मेरा बेस्ट नहीं है, जो आपने अभी किया अभी वही आपका बेस्ट है। ठीक है, जो कल करोगे वो कल का बेस्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो पहले तो आप रफ ड्राइंग करना सीखो, अपना जो दिमाग में सोच रहे हो उसको गंदा भी ड्रॉ कर रहे हो ना, लेकिन ड्रॉ करना जरूरी है, ये मत सोचो हम कर लेंगे, जो कर लेंगे वाली बात है वो कभी आती नहीं है, तो आप करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन आपके पास अगेन सेम 2 क्वेश्चन है जो मैंने कल भी डिस्कस किया, क्वेश्चन आज भी आपके लिए वही है, बशर्ते आज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि कल की ड्राइंग से बेटर आज आपकी ड्राइंग भी है, और कल के क्रिएटिविटी और कल के आइडिया से बेटर आज का आइडिया। एंड अगर आपको लगे कि नहीं सर ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया तो मुझे जरूर बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये 2 क्लास करने के बाद आपका लोगो डिजाइन जो कल आपने किया था और आज फिर से जो करोगे वो टोटली डिफरेंट होगा। कल के क्लास स्टार्ट होने से पहले आज जो मैंने समझाया है उसको मैं देखना चाहता हूँ कि आप वो 2 क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर पाते हो या नहीं। ठीक है, और ये पीपीटी आपको मिलेगा, ये जो आज का कंप्लीट पीपीटी है ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, फर्स्ट डिजाइन कैरियर के ऐप पे। आप जो कोर्स है ये 99 वाला जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सिर्फ कूपन कोड है थैंक्स THANKS थैंक्स, आपको कूपन कोड प्रोमो कोड में अप्लाई करना है, ये कोर्स फ्री हो जाएगा, 99 रुपीज भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये 5 डेज क्लासेज पूरे अटेंड करते हो, अपलोडेड वीडियोस देखते हो, टास्क जो मैं दे रहा हूँ वो आप करते रहते हो, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू 1 giveaway प्राइजेस। सो इसलिए 5 क्लास करो एंड असाइनमेंट करो, क्योंकि इससे आपका ही अच्छा हो रहा है, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, राइट। मेरा और टाइम जा रहा है आपके पीछे, तो उसकी वैल्यू दो। एंड आप यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है गिरी, बाद में अपने कॉपी पे करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो संतोष। सर जैसे हम कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को डिफाइन करिएगा, सो जो हमें कॉन्सेप्ट डिफाइन करना होता है
उसमें हम मैक्स टू मैक्स कितने पॉइंट लिख सकते हैं? देखो 200 वर्ड्स में बोले जाते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट राइटिंग को 200 वर्ड में लिखें, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा इजी मेथड क्या है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कलर थ्योरी का जो वीडियोज मैंने डाला हुआ है उसको आपको जरूर कंप्लीट करना होगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट राइटिंग लिखने लायक आप बनोगे, क्योंकि आपका लाइक जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तब तक आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है, जो चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको बुलेट्स पॉइंट में बताऊंगा कि कैसे इजिली पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, ज्यादातर बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं जो कि अगेन एक मिस्टेक है, वैसे तो ये कहीं भी नहीं लिखा रहता कि आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है, बट आपको भी पता है बुलेट पॉइंट में जब आप वेबसाइट विजिट करते हो चाहे आपको एक पीडीएफ मिलता है तो आप बुलेट पॉइंट्स वाली चीजें पढ़ लेते हो, बाकी पैराग्राफ स्किप करते हो, राइट। तो बुलेट पॉइंट में कैसे आप अपने डिजाइन को जस्टिफाई करते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, आफ्टर पोस्टर मेकिंग ये क्लास मैं आपका ले लूंगा कॉन्सेप्ट राइटिंग का। तो तब तक आई होप सबका कलर थ्योरी का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, कर लेंगे। ओके, सो कल तक ही कंप्लीट कर लेना, कल मैं पोस्टर मेकिंग सिखाऊंगा, उसके बाद वाले क्लास में जब स्टैम्प सिखाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट राइटिंग सिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद इवेल्युएट करेंगे आप सबका ड्रॉइंग कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, किसको क्या चीजों में लैक हो रही है, कौन सा चीज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा चीज आपका वीक पॉइंट है, उस पर काम करेंगे, ठीक है, फिफ्थ डे। ओके, और कुछ क्वेश्चन किसी का? हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप नहीं कर पाऊंगा, मैं सारा पीडीएफ आपको जो ये अभी मैंने आपको दिखाया है आज वो सारा पीडीएफ, इवन कलर थ्योरी के भी पीडीएफ जो आपको वीडियोस फॉर्म में मिले हुए हैं उसका भी मैं पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा ऐप में। अच्छा, जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया उसको मैं एक बार फिर से दिखा दूं, अपना ऐप फर्स्ट डिजाइन कैरियर गूगल प्ले स्टोर या फिर एंड्रॉयड ऐप स्टोर पे आपको लिखना है, ठीक है, हमारा दोनों में iOS पे भी है तो आप वहां पे जाके लिखोगे, ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ आगे गूगल प्ले स्टोर, एक बार गूगल प्ले स्टोर को ओपन होने देते हैं। सर वो बुक्स की लिंक्स चाहिए थी, बुक्स की लिंक चाहिए ना, मैं वो भी भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं ये चीज ग्रुप में ही दे दूंगा, वो मैं दे दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, बुक्स के मामले में बहुत सारे कोचिंग अपने बुक्स प्रिंट करके बेचते हैं, बट मैं, मेरा वो बिजनेस नहीं है बुक्स बेचने का, मेरा बिजनेस मतलब मैं अपने आप को ये बिलीव करता हूँ कि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब रीजनिंग में आपको अच्छे से समझा के एक बुक लिखूं और आपको दूं वो मेरा झोट मोटा हार्डवर्क होगा, मेरा हार्डवर्क वहां चाहिए नहीं। आर एस अग्रवाल का बुक सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से निफ्ट क्रैक करने के लिए या कोई भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए, बहुत इजी वे में उस टेक्स्ट बुक में समझाया हुआ है, तो आप यहाँ लिख गैट की क्लासेस हो रही है, लेकिन ये डेमो क्लास काइंड ऑफ 5 डेज मास्टर क्लास में नहीं होगा, बट जो बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं उनको गैट की क्लासेस मिल रही है। ओके, ये वाला हमारा ऐप है, यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल करना ये वाला ऐप हमारा, ये भी ऐप है निफ्ट ऑनलाइन कोचिंग ऐप, कुछ लोगों ने वो भी ज्वाइन कर रखा होगा, बट ये वाला करना जिसमें आपको फ्री कोर्सेज मैं आपको दे पाऊंगा, उस वाले ऐप में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि वहां पे बिना पेमेंट किए हुए कोई भी कोर्स फ्री नहीं होता था, ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ आपको फ्री में, तो मैं इसीलिए मैं आपको ये ऐप बोल रहा हूँ, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। वैसे कल का वीडियो हो या कोई भी हमारा रिसेंट वीडियो देखे उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक होते हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, स्टेशनरीज के भी लिंक होते हैं वहां पे, वो भी चेकआउट करो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, यूट्यूब पे चलते हैं, थोड़ा स्लो है आई थिंक मेरा इंटरनेट, और इस क्लास के बाद अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना हो, बात करना हो, कुछ पूछना हो, फील फ्री टू कॉल मी,
सेव माय नंबर, सो आप लोगों के पास होगा मेरा नंबर, वरना ग्रुप से निकाल लेना, एडमिन मैं ही हूँ आपके ग्रुप का, सिर्फ मैं ही एडमिन हूँ और कोई एडमिन नहीं है, तो आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हो। आई थिंक आज किसी ने कॉल किया था, राइट आशुतोष, शायद तुम्हारा ही कॉल था ना? यस सर। ओके आज आपसे बात हुई सर। एक्चुअली जब कभी भी मैं किसी चीज को देखता हूँ तो एकदम से मेरे माइंड में एक आइडिया स्टक करता है। ओके और फिर थोड़ी ही टाइम बाद मैं उसी आइडिया को सोचने लगता हूँ, यार ये तो कॉमन सा ही है, या फिर मतलब अब ये केवल मैं ही सोच रहा हूँ, ये ज्यादातर लोग मेरे से रिलेट नहीं कर पाएंगे इस आइडिया को लेकर। अब मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या होता है, ये सेम चीज मेरे साथ भी होता है कि जब भी आप कुछ सोचते हो ना, तो मैंने क्या बताया आपको कि हर बार जब आप कुछ सोचते हो और अगर उसको ड्रॉ करने बैठो या अपने फर्स्ट आइडिया के बारे में भी सोचो, तो वो कॉमन ही होता है। जो आप भी सोचोगे ना कि अगर किसी टॉपिक के बारे में, मैं भी वही सोचूंगा। पता है क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ना हमारे जो विजुअल रिसर्च है ना, वो सेम होते हैं। बेसिकली क्या है, आपने भी गूगल ही किया होगा, मैंने भी गूगल किया होगा, या आपने भी मार्केट में वही होर्डिंग्स, बैनर या एलिमेंट देखे होंगे जो मैंने देखे होंगे। इसलिए फर्स्ट आइडिया जब भी आप ड्रॉ करते हो तो वो ज्यादातर कॉमन होता है, जो आपको आपने बोला ना कि आपको लगता है कि वो तो कॉमन है, इसमें क्या नई बात है। नहीं सर, कॉमन की बात नहीं है एक्चुअली। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने वो तीन लोगों को दिखाए थे जो स्कूटर पे डिलीवरी बॉय जा रहा था, तो मैंने वो ऑरेंज वाला सेलेक्ट करा था, तो उसको देखने के बाद मेरे माइंड में एकदम से आया कि उसका जो बैकग्राउंड ऑरेंज है वो एक हार्डवर्क को शो करता है कि बंदा दोपहर में भी जा रहा है, मतलब इतनी गर्मी है, एक तो गर्मी को शो कर रहा है और गर्मी में भी वो हार्डवर्क कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। तो ये वाला आया था मेरे मन में आइडिया। तो अब आप पूछना जरा इन बच्चों से किनके मन में ये आइडिया आया, मतलब कौन से रिलेट कर पाया। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपकी कॉपी ना दूसरे के बच्चों के कॉपी से कंपैरिजन करके चेक नहीं होता, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा बात ये है कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही सबको बोला था कि आइडिया आपके मन में क्या आया नहीं आया, उसको आपको एक्सप्लेन करना है लॉजिकली। जैसे ऑरेंज कलर का मेहनत से कोई लेना देना नहीं, अगेन मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या है, ये आपने अपने तरफ से सोचा जो कि लॉजिकली सही नहीं था, ठीक है? तो देखो यही तो होता है, मेंटोर क्यों चाहिए होता है आपको अपने लाइफ में, क्योंकि आप बहुत कुछ चीजें करते हो लेकिन उसमें सही और गलत को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास अभी वो मैच्योरिटी नहीं है। वहां पे जैसे अभी तक क्लास आपने पढ़ाई की है ना, क्लास 1 से 12 तक, तो आपने स्कूल में पढ़ाई किया होगा, स्कूल में टीचर ही डिसाइड करते होंगे कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। यस सर। है ना, एक सेकेंड मैं ये दिखा रहा था, मैं आपके उस पॉइंट पे आता हूँ। तो बेसिकली इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आपको एक मेंटोर चाहिए, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन आप कितना सही हो ये आपको पता नहीं है एग्जैक्टली, और ना ही होना चाहिए। अगर आपको पता है ना, तो इसका मतलब आप समझो कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, और आपको पता है ओवर कॉन्फिडेंट का रिजल्ट कितना अच्छा होता है। एक सेकेंड, ये हैंग कर रहा है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे ना, तो बहुत सारे लिंक मैं ऑलरेडी मेंशन करता हूँ, यहाँ पे सो मोर करके आता है, वहां से आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है? चलो इसको मैं ऑफ करता हूँ और आयुष की कुछ क्वेरीज को लेता हूँ, जिससे बाकी लोगों को भी क्लियर होगा कि आयुष क्या सोचता है और हम क्या उसे समझाना चाह रहे हैं। हाँ आयुष, तो समझ में आ गया आपको एक बात कि आप जो सोचते हो वो ठीक है, उसमें कुछ चीजें आप सही भी सोच रहे हो और कुछ चीजें गलत भी सोच रहे हो, या ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको रेक्टिफाई कौन करेगा? उसको रेक्टिफाई करेगा आपका टीचर, आपका मेंटोर, राइट? जैसे हर एक चीज के लिए हम एक मेंटोर रखते हैं, जैसे होम ट्यूशन कभी किया है आप लोगों में से? सब लोगों ने होम ट्यूशन लगाया होगा घर पे? हाँ सर। है ना, क्यों करते सर? तो मेक इट श्योर कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप फेल ना हो जाए। आपके मम्मी पापा इसलिए भी लगवा देते हैं क्योंकि सोसाइटी में शर्मिंदगी ना लगे कि भाई ये बच्चा, हमारा बच्चा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि स्कूल में अच्छे नहीं पढ़ाते, ये एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनने वाला, राइट? स्कूल में कोई नहीं अच्छा टीचर पढ़ाता, जब अच्छा नहीं पढ़ाता तो उस स्कूल में एडमिशन क्यों लिया, राइट? तो अभी आप देखो, क्लास 10th तक हम इसलिए पढ़ाई करते हैं और होम ट्यूशन लेते हैं इसलिए कि हम फेल ना हो।
तो निफ्ट वाले इंट्रेंस एग्जाम में क्यों हम ओवर कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि हम पास ही हो जाएंगे, यहाँ पे कोई मेंटोर क्यों नहीं रखते? क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च ये आता है कि हाउ टू क्रैक निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम विदाउट कोचिंग, ये सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कोई पता है क्या इसका क्या आंसर है, मतलब क्यों ऐसा लोग क्यों ऐसा खोजते हैं कि वो क्यों क्रैक करना चाहते हैं निफ्ट विदाउट मेंटोरशिप? जब आप खुद से क्रैक करके 1000 रैंक ला सकते हो, तो सोचो अगर कोई आपको गाइड करने वाला होता तो आप हो सकता है टॉप 100 रैंक ले आते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का टैलेंट यहाँ पे कम है, इवन मेरे से ज्यादा ही लोग टैलेंटेड होते हैं। जैसे मैंने सबको बोला हुआ है कि 2007 में मेरा नहीं हुआ था, 2008 में मेरा अच्छा रैंक आ गया था। क्यों? क्योंकि 2007 में मैंने कोचिंग नहीं किया, उस समय मैं भी कॉन्फिडेंट था कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में मैं हर बार फर्स्ट प्राइज लाता हूँ ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, एंड मुझे लगा ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन ही तो है, निफ्ट क्या है, ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन जब मेरा सिचुएशन टेस्ट के लिए नहीं हुआ तो मुझे पता चला यार कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, तो आई नीड सम मेंटर, और वो मैंने किया। तो अगर आपको अपनी गलतियां पता हो ना, तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, उसको रेक्टिफाई कर सकते। यस सर, राइट। तो गलतियां पता होना जरूरी है, लेकिन अगर यही आप सोचो कि आपको हमेशा गलती पता हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक आध चीज तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि अच्छा चलो ये गलती है, लेकिन अगर हम रोज 100 चीजें कर रहे हैं तो कितने बार आपको पता होगा कि आपने कितनी सही की है और कितने गलत, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। ओके, कोई इसके अलावा ये जो भाषण मैंने दिया, जो स्पीच दिया, उसके अलावा किसी का डिजाइन से रिलेटेड या निफ्ट से रिलेटेड कोई मिथ है उसको मैं दूर कर सकता हूँ? सो सर, जो एग्जामिनर होता है वो थ्योरी के बेसिस पे कॉपी चेक करता है, जैसे कि वो हमारे डिजाइन में कलर साइकोलॉजी भी लगाएगा। हाँ, बेसिकली क्या है, देखो कोई भी डिजाइन गलत नहीं होता, कोई भी डिजाइन गलत नहीं होता, जो तुमने बनाया, जो दृष्टि ने बनाया, जो पूजा ने बनाया, तीनों डिजाइन से सही हो सकते हैं। डिजाइन गलत नहीं होता, सिर्फ उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, समझे? इसलिए मैंने क्या बोला, तुम्हारे कॉपी का जजमेंट सिर्फ तुम्हारे बेसिस पे होगा, ना कि बगल वाले किसने कितना क्या किया। अदरवाइज फिर तो पूरी कॉपी को चेक करने के लिए एक ही बंदा चाहिए ना, क्योंकि उसी के हिसाब से वो फिर चेक करेगा। गॉट माय पॉइंट? नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ कि एग्जामिनर मुझसे रिलेट कर पाए, मतलब जो चीज मैं बना के आया हूँ वो समझ पाए। तो हाँ, बेसिकली इसी करूं? के लिए तो दिया जाता है कॉन्सेप्ट राइटिंग, लेकिन आपसे रिलेट करे ये जरूरी नहीं। मतलब आपसे रिलेट करने का क्या मतलब है, मैं जो समझ पाया, पर्सनल एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस तो सबका डिफरेंट हो सकता है ना। आपने जो बचपना बिताया, जो मैंने बिताया, जो जो चीज के बारे में मैं फील करता हूँ, आप दूसरे तरीके से फील करते होंगे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस या रिलेट करने वाली बात नहीं है, आपको निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में फैक्ट्स पे बात करने पड़ेंगे, लॉजिकली बात करना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि येलो रिप्रेजेंट लव, तो ये तो आपको लग रहा है ना, लेकिन लव तो रेड पिंक से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे लॉजिक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी थेसिस लेके जिए जा रहे हैं, तो उनके लिए निफ्ट नहीं है, निफ्ट उनके लिए है, कहते हैं ना निफ्ट उनके लिए जो डिजाइनर नहीं, जो डिजाइनर बनने का स्पार्क है जिसके अंदर, उसके लिए निफ्ट है। जैसे वही बात है कि आपको अगर मैं प्लेन पेपर दूं तो आपको ड्रॉ करना आसान होगा, इन कंपेरिजन ऑफ लिखा हुआ पेपर दूं तो उस पे लिखना मुश्किल है। तो आपको बहुत सारा कुछ आता है ना, और वो आपकी ही थेसिस है, बाकी उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो आपके लिए निफ्ट नहीं है, निफ्ट आपसे दूर भागेगी। ये ज्यादातर मैंने देखा है, ज्यादातर क्रिएटिव, ज्यादा बच्चे जो होते हैं ना बहुत क्रिएटिव, जो कोई एक ड्राइंग करते हैं और उसमें बोलते हैं कि आपको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मतलब उसने खुद ही एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है और उसे ही कुछ दिखता है। और मैंने अभी क्या बोला कुछ देर पहले, डिजाइन एक कॉमन इंसान के लिए आप करते हो, आपका जो क्लाइंट है, मान लो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो प्रोडक्ट किसके लिए बनाते हो, डिजाइनर के लिए या फिर कॉमन इंसान के लिए जो शायद डिजाइनर ना हो, कॉमन पीपल, तो उसको उतना क्रिएटिविटी कहां से आएगी जो आपकी उस क्रिएटिविटी को देखे। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत क्रिएटिव होना जरूरी नहीं। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, मुझे अच्छे से याद है,
तो बाद में उसका निफ्ट में हुआ नहीं, 2 साल बाद भी ट्राई किया नहीं हुआ, क्योंकि उसने किसी को गुरु माना ही नहीं, वो अपने आप में बेस्ट था। ठीक है, और जब मैं उसके पास गया था और मैंने बोला यार मैंने ये बनाया, तो उसने बोला तुमने कुछ हट के नहीं बनाया, तुमने कुछ डिजाइनर इम्पैक्ट नहीं डाला। फाइनली मेरा 32 रैंक आ गया, उसका तो हुआ ही नहीं था और आगे 2 साल भी नहीं हुआ, क्योंकि तभी भी उसने किसी को माना ही नहीं। ठीक है, वो अपने आप में ही मतलब बेताज बादशाह था। तो ऐसा भी होता है, ऐसे स्टूडेंट जो कुछ बहुत कुछ कर सकते थे, जस्ट लैक ऑफ कहते हैं ना कि किसी में सुनने की क्षमता कम होती है, सीखने की क्षमता कम होती है, कुछ लोग सुनाना जानते हैं सिखाना जानते हैं, उनका नहीं होता निफ्ट में। ओके सर, ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? अरिसा, भूमि, नेडा, मुस्कान, श्रुति, दृष्टि, कदम, पूजा। सर गैट के लिए कहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा? गैट के लिए तो पहले आपको ये फिक्स करना है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो हमारा, तब आपको गैट का क्लासेस मिलेगा। और फिर भी अगर आप चाहते हो एक दो डेमो क्लास लेना, कि लेकिन होता क्या है, 20 से अगर मैं आपको डेमो क्लास दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो एक काम करना श्रुति, मुझे तुम व्हाट्सएप कर देना अगर तुम्हें गैट्स का कंफ्यूजन है, तो मैं देख यस लेता हूँ, सर, कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं अपने मेंटोर को बोल दूंगा आपको वो लिंक भेज दे। ठीक है, अभी 8 बजे थैंक से यू ये सर। स्टार्ट होगा, अगर आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा उस क्लास में, अगर नहीं होगा नया टॉपिक तो कल होगा या परसों होगा तो मैं आपको उस नए टॉपिक से ही ऐड करूंगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके श्रुति। और कोई गैट का है किसी को कंफ्यूजन, जिसको गैट का क्लास चाहिए? सर मुझे भी चाहिए ओके दृष्टि, आप भी मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको उस ग्रुप में ही ऐड कर दूंगा आपको। और किसी को? सर, मुझे भी। यस सर, ओके ठीक है, एक बार मुझे मैसेज कर देना सिर्फ गैट, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस ग्रुप का, और एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, मतलब आपके डेमो क्लास वाले का एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, या मैं उसी को बोल दूंगा कि गैट का ना लिंक भेज दे उस। आप ग्रुप वही रखो जिस ग्रुप में हो, 5 डेज मास्टर क्लास वाले में हो ना सब लोग? यस सर, अच्छा नेडा नहीं है शायद, नेडा हो तुम? हो यस सर, तुम 5 डेज मास्टर क्लास वाले ग्रुप में? कहाँ यस सर, पे हो, व्हाट्सएप में हो? तब ठीक है, तब मैं भेज दूंगा उसी में लिंक। ओके तो ज्वाइन कर लेना, 8 बजे से उसका अच्छा क्लास होता है, टाइमिंग सर। 8 PM नॉर्मली। ये जो कोचिंग हो रहा है ना, ये भी 8 PM ही होता है हमारा कैट का। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपका कैट होता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपका गैट होता है 8 से 9 PM, 8 to 9 PM। सर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, हाँ ये क्वेश्चन आया सचिता का, बी डिजाइन करने के लिए प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं कि होम स्टडी ही बेस्ट है? ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ सचिता, मैं तो पहले मैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल जॉब किया इंडस्ट्री में, नेशनल टू इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया, बट मैंने कभी भी प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को टॉप लेवल पे जाते हुए नहीं देखा है, जस्ट बिकॉज की प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन का लेवल ही वो नहीं होता कि बच्चे चाह के भी अच्छा कर पाए, तो प्राइवेट बताया नहीं कॉलेज था। तो मैं अच्छा रेकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरा, होम स्टडी कर सकते हैं, ये मैं आपकी बात नहीं समझ पाया हूँ संचिता, ये बेटर ये होगा देखो, आप मुझे कॉल कर लेंगे, तो आई विल गिव यू माई फीडबैक इन अ बेटर वे। ओके ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क क्या है सबको पता है? पूजा बताओगे उम्र क्या है? वीडियो कंप्लीट करना कलर थ्योरी का, वीडियो कंप्लीट करना है इमोशन। कलर थ्योरी का, एंड दूसरा क्या है? कलर थ्योरी का मतलब सारा कलर, सीजन, कलर इमोशन एंड कलर प्रोडक्ट, ये सारा। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन जो लोगो डिजाइन में लोगो मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो दिया था, डिजाइन, उसी में पांच पांच अटेम्प्ट करने, मतलब एक क्वेश्चन पे 5 डिजाइन बनाने, एक ही पेज पे एक क्वेश्चन लिया, एक पेज पे 5 डिजाइन कर दो, दूसरा पेज लो दूसरे क्वेश्चन के लिए उस पे 5 डिजाइन कर दो। ओके ओके सर, चलो बाय, गुड नाइट, बाय सर।